नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे इन्फोसिस का शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू क्या हो सकती है। जो ये रिपोर्ट है एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई, जिसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी इस शेयर के बारे में। तो वैसे तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई, जैसे कंपनी के शेयर की, कंपनी के बारे में जानकारी, करंट नेम, हेड ऑफिस, फाउंडर वगैरह, ठीक है। तो जो ये जानकारी आप इसे बाद में डिलीट कर सकते हो, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पर इस वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उसको ही देखेंगे। तो भाई सबसे पहले चीज़ आती है पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बदलाव। तो आखिर पिछले 5 सालों में इस शेयर ने कितना रिटर्न दिया है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 21 जून 2018 के दिन इस शेयर की वैल्यू 640 के आसपास ट्रेड कर रही थी, जो 12 जून 2023 को 1300 रुपये से भी ज़्यादा हो गई। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें कितना अच्छा इसने रिटर्न दिया हुआ है। और यहाँ साइड में हमने व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जिसमें हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट रखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई, जो शेयर है उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो हम यहाँ पे एक प्लस पॉइंट को ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इन प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के हिसाब से ही हम इसकी शेयर की टारगेट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सेकंड चीज़ आती है, वो है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 2019 के साल में कंपनी इतना रेवेन्यू बना रही थी, 85,557 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी, ठीक है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें आगे चलते हुए लगातार बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे 1,49,468 करोड़ का जो है रेवेन्यू बनाया है, तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कंपनी ने ग्रोथ किया हुआ है। और अगर नेट इनकम यानी प्रॉफिट की बात करें, तो वो भी लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई कंपनी जो फाइनेंशियल रूप से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हुई है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। तो हम भाई इसको यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं। अभी चलते हैं आगे। आगे दिया हुआ पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में हुए फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी भाई कंपनी की ऑफिस हो गए, ब्रांच हो गई, या कंपनी के जो अलग रेवेन्यू सोर्स है वो हो गए। क्या कंपनी उसे बढ़ोतरी कर रही है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 2019 के टाइम में कंपनी के पास इतने करोड़ की संपत्ति थी, और जो 2023 है उसमें 1,24,596 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है। तो भाई ये लगभग डबल हो गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। कंपनी जो है अपने लगातार एसेट्स को भी बढ़ा रही है, तो इसको भी एक प्लस पॉइंट में ऐड करेंगे। अभी इसके आगे आता है, पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो जैसा कि हमने देखा, कंपनी अच्छा रेवेन्यू अच्छा बना रही है और नेट इनकम भी काफ़ी अच्छी कर रही है। तो क्या इसका बेनिफिट जो इनके निवेशक है उनको भी हो रहा है? तो इसके द्वारा कंपनी ने डिविडेंड दिया या नहीं वो देखेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, कंपनी ने 2022 में, 2021 में और 2021 में दो बार रिटर्न दिया है, एक बार फाइनल और एक बार इंटरिम, ठीक है। तो कंपनी लगातार डिविडेंड भी दे रही है। और आगे देखते हैं, 2022 के बाद इसने जो है रिटर्न दिया है नहीं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 2022 और 2023 में दोनों में रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, तो इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है, तो जो कि एक अच्छा संकेत है, इसलिए हम इसको भी एक प्लस पॉइंट ऐड कर देते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी के पास रहे हुए खुद के शेयर। तो स्थिति है भाई 13.30, यानी कंपनी के खुद ने अपने 13.30 शेयर को रखा हुआ है, जो कि वैसे तो काफ़ी कम है, पर ये इसको एक भी अच्छा संकेत मान सकते हैं, क्योंकि अभी बाकी की होल्डिंग देखना ज़रूरी है। तो जैसा है म्यूचुअल फंड में जो है 16.5% का होल्डिंग किया हुआ है म्यूचुअल फंड संस्थाओं के द्वारा, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इसमें होता भाई जो भारत की बड़ी कंपनी और संस्था है उनके द्वारा किया गया। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, 13.67% का जो है शेयर होल्डिंग किया हुआ है। तो भाई ये भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर इसमें बड़े इन्वेस्टर इतनी अच्छी मात्रा में निवेश कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ अच्छे कारण ज़रूर हो सकते हैं। और देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन में भी इतना अच्छा निवेश किया हुआ है, 30.18% का, इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो भाई ये भी एक अच्छा संकेत है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा रहा हुआ है कंपनी का। और रिटेल इन्वेस्टर, जैसा कि हम जानते हैं, रिटेल इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में कम मात्रा में रहे हुए हैं, तो वही अच्छा माना जाता है, 26.18% है, इसलिए ये भी एक अच्छा संकेत मान सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसके आगे हमने दिया हुआ है टॉप कंपिटिटर्स, इसका फ्यूचर स्कोप, जो आप आराम से इसे रीड कर सकते हैं। अब मेन बात पे आते हैं कि भाई इसकी जो टारगेट वैल्यू है वो क्या हो सकती है। तो देखिए, हमने इन सब चीज़ों के आधार पर एक टारगेट वैल्यू निकाली, जो कि अंदाजित वैल्यू है, ठीक है। इसकी जो अंदाजित वैल्यू है 2024 में, वो हो सकती है 1750 से लेके 1790 तक, और 2025 की टारगेट वैल्यू है 2180 से लेके 2220 रुपये तक, और जो 2030 तक की वैल्यू है वो हो सकती है भाई 5800 रुपये से 5950 तक। तो भाई ये एक अंदाजित वैल्यू, टारगेट वैल्यू, ठीक है, इतने तक जा सकती है। इसके अलावा उन्हें कंक्लूजन दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से आपको जो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, अगर आप इसमें निवेश किया हुआ है, करने का सोच रहे हो, तो दोस्तों आप इसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हो। तो आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।